the probe investigation into the alleged suicide, alleged murder of Sushant Singh Rajput. Family claims that it is murder and not a suicide. We have Rais now joining us on the broadcast. Rais, jo hai, wo Sushant Singh Rajput ke jo farmhouse tha, usme uski dekhbhal karte the. He was the caretaker. Rais, humse baat karne ke liye bahut shukriya. Abhi family ne aaj family ke lawyer के द्वारा कहा है कि जो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो सुसाइड नहीं है, वो स्ट्रैंगुलेशन है, मर्डर है. वही तस्वीरों से पता चल रहा है, डॉक्टर्स का भी कहना है. आप अभी तक जिस तरह की जानकारी आई है, आप क्या बता सकते हैं इस सब के बारे में? ये हम लोग तो वही इंतजार कर रहे हैं कि ये क्या चीज है, उसका पता चले. अभी जो फैमिली जो बोल रहे हैं कि मर्डर है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने के क्या हुआ है उनके साथ. और इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ उनके लिए कि क्या है उनके साथ में, क्या हुआ है, उनका मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है, ये भी तो कुछ पता चले इस मेरे को. आप कितने समय तक थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ? आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी, उसके बारे में बताइए. आखिरी मुलाकात मेरा फरवरी 2020 में हुआ था मैडम उनके साथ में, उनसे. और उस वक्त वो कुछ ज़्यादातर आइलैंड पे थे, मतलब बोटिंग वगैरह कर रहे थे और कुछ गार्डन में जैसा बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे. लेकिन उस वक्त भी यार तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तबीयत तो उनकी ख़राब थी. लेकिन आखिरी वक्त उन्होंने मुझसे उतना बात भी किया था, उन्होंने कि कैसे हो आप, क्या है, कैसा आपका तबीयत, कैसा सब पूछा था उन्होंने, वो याद है मुझे अभी तक. अच्छा, तो उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी. उनके साथ कौन कौन था? फैमिली मेंबर्स थे या फिर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई थे? उनके भाई और रिया, जैसा रिया के भाई शोभिक और रिया और श्रुति मोदी और मिरिंडा, जैसा सैमुअल मिरिंडा और दीपेश सावन, सिद्धार्थ पिटानी और बाकी है केशव कुक और नीरज. अच्छा, फैमिली के साथ का कोई नहीं था, लेकिन यही सब लोग थे जो उनके साथ उनके फ्लैट में भी रहते थे. हाँ, चार लोग तो उनके साथ ही रहते थे, जैसा दीपेश सावन है और सिद्धार्थ पिटानी है और केशव और नीरज. अच्छा, तो थोड़ा ये बताइए कि उन लोगों का व्यवहार किस तरह का था सुशांत सिंह राजपूत के साथ. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि वो शायद उनके दोस्त नहीं हैं, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की कभी आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ था? महसूस तो मैडम जैसा पहले कुछ लास्ट ईयर में कुछ रजत का कुछ प्रॉब्लम हुआ था अकाउंट के लिए, जैसे श्रुति मोदी के अकाउंट स्टेटमेंट निकालने के लिए कहा था रजत ने. जैसे अभी एक प्रॉब्लम हुआ था, कुछ 6 दिन का एक स्टेटमेंट आया था बैंक का स्टेटमेंट, जो सुशांत सर ने देखा तो उसमें कुछ खर्चा था, कुछ ब्यूटी पार्लर का और कुछ कपड़ों का कुछ खर्चा देखा. तो वो मतलब ये हुआ, उनको गुस्सा आ गया था कि मेरे अकाउंट से जो खर्चा क्यों हो रहा है, जो भी उनके अकाउंट से जो पैसा. तो वो 6 दिन का जो स्टेटमेंट, मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि मेरा क्या हुआ है, मुझे 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए. तो दीपेश ने मेवाटी से कहा था कि उनको सर को 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए. तो रजत उसकी जी बताइए, जी बताइए, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? रजत उस वक्त रात में घर चला गया था, तो उसने कुछ, रजत मेवाटी जो अकाउंटर है, उन्होंने श्रुति मोदी से कहा था कि कुछ स्टेटमेंट निकाल के देना सर, सुशांत सर ने स्टेटमेंट मांगा 6 महीने का. तो उस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट निकाल के देने के आधा बजाय उन्होंने रिया मैडम से बताया था, और रिया मैडम ने वो स्टेटमेंट तो निकला नहीं है, बाद में कभी देखा, दिखाया भी नहीं कि स्टेटमेंट, कुछ बैंक स्टेटमेंट देखा नहीं उन्होंने, 6 महीने का मिला भी नहीं उनके हाथ में. लेकिन उसके बाद में ये बात को मतलब ये कर दिए, मतलब एक ये कर डाले कि मतलब रह गया, बात ही रह गया. लेकिन उसके बाद में रजत मेवाटी को दो दिन का छुट्टी देने के बाद में उनको ब्रेक दे डाला. फिर उसके बाद में कुछ वो जॉब पे नहीं थे, जॉब से निकाल दिए थे. तो उस वक्त ऐसा लगा था कि कुछ तो हो रहा है. अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि जब सुशांत ने, ये फरवरी के महीने की बात है,
ये कुछ जनवरी में रजत को निकाला था, उस वक्त की बात है, दिसंबर से या दिसंबर जनवरी के आसपास की बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब सुशांत ने अपनी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट मांगी रजत मेवाती से, तो उन्होंने ये बात बताई रिया चक्रवर्ती को, उसका रिजल्ट ये हुआ रिया को नहीं बताया, उन्होंने श्रुति मोदी से कहा था कि मैं अभी घर पे। अच्छा जी, तो श्रुति मोदी से कहा था कि वो कुछ स्टेटमेंट निकाल के दो सर, 6 महीने का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। तो उन्होंने रिया से बात किया था, रिया को बताया था कि कुछ 6 मंथ का स्टेटमेंट मांग रहे हैं सर बैंक का, तो उन्होंने बात घुमा दिया, मतलब वो रह गया बात, 6 महीने का स्टेटमेंट कुछ मिला नहीं। अच्छा, तो ना तो स्टेटमेंट दिया, और उसके साथ जो उनके अकाउंटेंट रहे हैं काफी समय से रजत मेवाती, उनको भी निकाल दिया। वो स्टेटमेंट भी दिया नहीं, और अकाउंटर को यह बोला गया कि 2 दिन का आपको सर ने ब्रेक लेने के लिए कहा, 2 दिन के बाद में जब रजत उनको कॉल किया श्रुति मोदी को कि मैं कल मॉर्निंग जॉब पे आ रहा हूँ आज, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको सर ने जॉब से निकाल दिया, ऐसा बोला। अच्छा, अब ये बताइए एक और बात जो सामने आ रही है, रिया चक्रवर्ती ने अपनी बेल एप्लीकेशन में भी ये लिखा है कि ड्रग्स का मामला खुल के काफी सामने आ रहा है, और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सुशांत ही ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे और कोई भी नहीं करता था, और वो अपने जो आसपास के लोग हैं उन्हें बोलते थे कि उनके लिए ड्रग्स लेकर आए, ऐसा उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखा है जो कोर्ट में सबमिट करी है। आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में कि क्या होता था जब वहां पर फार्म हाउस में ये सब लोग आते थे? देखिए मैडम, ज्यादातर मंगाने की बात है, मैं तो ज्यादातर उनको कुछ ड्रिंक्स वगैरह ही देखा हूँ उनके हाथ पे, और ये जो ड्रग्स का जो मामला है 2018 में नहीं था, ये 2019 के बाद में आया है। अच्छा। मैंने पहले ही बताया कि ये 2019 के बाद में जो रोल पेपर स्मोकिंग पेपर ये मेरे मार्केटिंग के लिस्ट में आना चालू हुआ, ये पहले नहीं आता था। ये कब की बात है, ये 2019 अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ मैं, ये उसके बाद से ज्यादातर मुझे मार्केट के लिस्ट में रोल पेपर स्मोकिंग पेपर का ऑर्डर ज्यादा आने लगा, ये 2018 से नहीं था ये पहले। तो अभी किस चीज से क्या मंगाया है वो रिया ही जानती होंगी, क्या उन्होंने किससे मंगाया और किसको किस स्टाफ को बोला है, अगर स्टाफ को बोला भी है तो वो सामने तो आया नहीं किधर से, कोई स्टाफ को बोला है मार्केट से ये सब लाने के लिए, कुछ जो मोबाइल चैट जो निकले इनके ही निकले, इनके ही ग्रुप चैट निकले, जैसे उसमें सैमुअल मिरांडा है और बाकी शोभिक है और ये रिया है, इनके ग्रुप चैट मिले हैं मैडम। सुशांत सर का तो ऐसे कुछ मिला नहीं कि उन्होंने कुछ किसी स्टाफ से लाने के लिए बोला है कुछ। तो उनका ये कहना है, उनके अपने डिफेंस में उन्होंने ये कहा है कि सुशांत मंगवाया करते थे तो उनको वो सिर्फ मदद करते थे, और उन्होंने तो बेल एप्लीकेशन में ये भी लिखा है कि सुशांत के आसपास के जो भी लोग रहते थे उनसे वो अपने ड्रग्स के लिए जो भी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए कहते थे, वो खुद तो जाते नहीं थे, ये ऐसा रिया चक्रवर्ती के बेल प्ली में लिखा हुआ है। तो आपको कभी बोला कि कुछ लेकर आइए इस तरह का? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ बोला नहीं मैडम कभी उन्होंने, इतने दो सालों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कभी ऐसी कुछ चीज मैंने सुना नहीं है, और ना मुझे ऐसा कुछ चीज लाने के लिए बोला है। अभी ये जो बता रही है तो ये अभी वो उनपे कुछ क्लेम लगा रहे हैं क्या, उनका कुछ ऐसा मतलब क्या इरादा है वो पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। अभी आप जितना भी सबूत मिला है, जितने मोबाइल चैट मिले इनके ही मिला था मैडम। आखिरी सवाल एक आपसे हम और पूछना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी ही कंट्रोल कर रहे थे उनके पूरे फाइनेंसेस को, वही देखते थे सारे फाइनेंसेस को? जी हाँ, 2019 के बाद से तो ज्यादातर जुलाई 2019 से श्रुति मोदी ज्वाइन होने के बाद में लगभग नवंबर के बाद से वही देख रहे थे, क्योंकि अक्टूबर में वो जब यूरोप ट्रिप के लिए गए थे तो उसके बाद से बीमार ही रहने लगे ना ज्यादातर, तो उसके बाद में वो उस मंथ के बाद में नवंबर से इनका ही ज्यादा एक्टिव था। और जो भी मुझे भी अगर लोन पहले कैसा था पावना में, मेरा एक ऐसा था जब कुशल जवेरी और अब्बास लोग थे, जब अब्बास बाकी के जो पहला फर्स्ट टीम था उस वक्त ऐसा था कि मुझे छोटे मोटे काम के लिए बार बार इनको बोलना नहीं पड़ता था, एक मैसेज कर देता था और इमिजिएटली हो जाता था जी। अभी इनके बाद में ये हर चीज पे मतलब छोटे से काम के लिए भी कुछ रुकना पड़ता है, मतलब हर चीज का इनका कंट्रोल था उसके ऊपर। अच्छा, जो आप कह सकते हो कि कोई अकाउंट या कुछ, हर चीज का कंट्रोल हुआ था उनपे। अच्छा रईस जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनदर इनसाइडर स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली ऑन टाइम्स नाउ एंड क्लियरली इंडिकेटिंग एट सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल एंगल एज वेल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। सुशांत वॉन्टेड टू सी हिज बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर 6 months विच वॉज नेवर given to him. In fact, as a result, the CA was sacked by Team Rhea. This is what Rais is alleging.